है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों को लेकर आज एडीजी अजय आनंद और आईजी सतीश ए गणेश फिरोजाबाद पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक की और मीडिया से बात करते हुए बताया कि आप ही कह रहे हैं कि एक सिपाही घायल हुआ है तो यह एक सामान्य घटना है। दो सब्जी वाले थे, उनमें झगड़ा हुआ है, जिनके झगड़े को सुलझाने के लिए पुलिस को बुलाया गया था। वह सब्जी वाले आपस में एक दूसरे को मार रहे थे तो एक पत्थर पुलिस वाले को भी लग गया। कोई ऐसा पथराव नहीं हुआ है, एक पत्थर पुलिस वाले के लग गया, उसकी मामूली चोट आई है। करीब एक दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं और जो चिन्हित होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। हमारी पुलिस का काम है कि लॉकडाउन का पालन कराना और मेरा भी उद्देश्य है कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें। फिरोजाबाद में जो केस हो रहे हैं उसी को लेकर आज एक समीक्षा बैठक की गई है। मैं और आईजी साहब आए हैं, हम प्रत्येक दिन फोन से भी समीक्षा करते रहते हैं, हर दूसरे दिन कोई ना कोई आता रहता है। यह बात आपने ठीक कही है कि 62 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है। पहले जो लोग आए थे उनके कॉन्टेक्ट से पाया गया है, बाद में एक युवक था उसके कॉन्टेक्ट से 20 लोगों को पाया गया। उसके बाद पारस हॉस्पिटल जहां से जो मरीज वहां दिखाने गए थे, वहां के एसएसपी ने यहां के एसएसपी को बता दिया था कि इतने मरीज फिरोजाबाद के वहां दिखाने आए हैं, उनको उठाकर उनका सैंपल कराया गया और 62 लोगों में 60 लोगों को हम बराबर देख रहे हैं, उनकी दैनिक स्थिति देख रहे हैं और सभी को ट्रेस कर रहे हैं। कितने लोगों को क्वारंटाइन कराने की जरूरत है हम उनको करा रहे हैं। और इस मीटिंग में यह भी बताया गया कि उनकी एक मीटिंग हो भी चुकी है, सभी लोगों को बता दिया गया है कि रमजान में भी नमाज घर में ही पढ़नी है और लॉकडाउन का पालन करना है। और मैं आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप समाज स्वस्थ रहेगा, इसलिए घर में रहकर ही नमाज पढ़ें। फिरोजाबाद से प्रॉपर रिस्पांस मिलता है उतना ही हमारे लिए बहुत है। बाइट भी दिया था तो बच्चे किसके हैं और कैसे मिलते हो? अरे ऐसा जाता हूं तो बाहर जो हॉल है ना उसमें कपड़े सारे सारे देता हूं, चेंज करके घर में नहाता हूं, हैंड वॉश करा करके अपने बीच वाले रूम में जाके दूसरे कपड़े पहन के तब अंदर घूमने जाता हूं। सर आज एक आज अलीगढ़ में एक पथराव हुआ जिसमें एक सिपाही घायल हुआ है, ये कैसे मैनेज हुआ है और क्या आगे एहतियात बरते जा रहे हैं? नहीं, एक तो मैं बता दूं, आप स्वयं कह रहे हैं कि एक सिपाही घायल हुआ है, इसका मतलब बहुत ही सामान्य घटना थी। ये दो सब्जी वालों में आपस में लड़ाई हो गई थी जिसको सुलझाने के लिए पुलिस को बुलाया गया, तो आपस में एक दूसरे को मार रहे थे, उसमें एक पत्थर पुलिस वाले को लग गया। कोई ऐसा पथराव नहीं हुआ है, एक पत्थर उसको पुलिस वाले को लग गया, उसे मामूली चोट आई है और उसमें हमने करीब एक दर्जन 12 व्यक्तियों की हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं और जो चिन्हित होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि हमारा पुलिस का काम है लॉकडाउन को इन्फोर्स कराना और मैं पूरी ताकत से इसको इंश्योर करूंगा कि लॉकडाउन का पालन सभी लोग अपने सहज भाव से करें या नहीं तो पुलिस उसको इन्फोर्स कराएगी। सर फिरोजाबाद में संख्या बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे टेस्ट होंगे नेगेटिव पॉजिटिव और आएंगे, लोगों में पैनिक ना हो क्योंकि इतने दिनों से लोग तनाव में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा एरिया सील किए गए हैं, तो कुछ यहाँ पे कुछ अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है? नहीं, इसी की समीक्षा करने के लिए आज मैं और आईजी साहब आए हैं, परसों यहाँ के कमिश्नर साहब भी आए थे। हम लोग प्रत्येक दिन फोन से समीक्षा करते रहते हैं, नहीं तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई, कभी आईजी साहब आते हैं कभी कमिश्नर साहब आते हैं। 6 दिन पहले मैं आके समीक्षा करके गया था। ये बात है, आपने ठीक कहा कि 62 लोग को अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें ज़्यादातर जो पहले जो आए थे उनसे पाया गया, उनके कॉन्टैक्ट से पाया गया। रसूलपुर में एक आरिफ लड़का है, उसके कॉन्टैक्ट से करीब 20 लोग उसके कॉन्टैक्ट से पाए गए। उसके बाद पारस हॉस्पिटल जो यहाँ से लोग मरीज दिखाने गए थे तो उसमें पहले ही से वहाँ के SSP द्वारा यहाँ के SP साहब को DM साहब को बता दिया गया था कि आपके इतने इतने मरीज पारस में इन दिनों दिखाने आए हैं, तो उनको उठाकर उनका सैंपलिंग कराया गया तो कुछ पारस के मरीज पाए गए हैं। तो अभी तक के दो व्यक्तियों को छोड़ के जितने हमारे 62 में से 60 ऐसे हैं कि उनके हम प्राइमरी कॉन्टैक्ट को या कहाँ से उनको किस सोर्स से उनको लगा है, तो ये
एक संतोषजनक स्थिति है कि हम सबको ट्रेस करके ये देख पा रहे हैं और कितने हमको क्वारंटाइन कराने की जरूरत है, तो हम लोग करा रहे हैं। सर, मेरे अंतिम हाँ। सवाल है कि फिरोजाबाद में एसएसपी डीएम लगातार ये कह रहे हैं कि आने वाले रमजान में लोग एहतियात बरतें और घर में नमाज करें। आज के समय पर जो चंद दिन रह गए हैं, तो क्या आप यहाँ की जनता से अपील करेंगे कि लोग माने इस बात को? नहीं नहीं, इस मीटिंग में यह भी बताया गया है कि एक उनकी एक मीटिंग हो चुकी है और सब लोगों को यह पता है कि नमाज लॉकडाउन के दौरान में नमाज घर से ही पढ़नी है और इसको हम लोग पालन भी कराएंगे। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप स्वस्थ हैं तो समाज स्वस्थ रहेगा। तो अतः सभी को अपने घर में रह के सेफली घर में सुरक्षित, अगर वो सुरक्षित रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि सब कोई अपने घर में जो भी धार्मिक एक्टिविटी है, चाहे वो किसी समुदाय का हो, अपने अपने घर में ही उसको करें।